राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। आज इस श्रृंखला में प्रस्तुत है एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित कार्यक्रम बीरबल साहनी। कभी कभी इस संसार में कुछ ऐसे महान लोग जन्म लेते हैं जो अपने अथक परिश्रम और महान कार्यों द्वारा समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी ऐसे ही लोगों में से एक थे। प्रोफेसर बीरबल साहनी का जन्म पश्चिमी पंजाब के भेरा नामक नगर में 14 नवंबर सन 1891 में हुआ था। उनके पिता रुचिराम साहनी भी एक वैज्ञानिक थे। वे डीएवी कॉलेज लाहौर में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उनकी माता ईश्वर देवी दृढ़ विचारों वाली उदार व दयालु थी। प्रोफेसर बीरबल साहनी को ये सभी गुण विरासत में मिले थे। पौधों के प्रति बीरबल का प्रेम बहुत पहले बचपन से ही दिखाई देने लग गया था। उनके घर की छोटी सी प्रयोगशाला में जगह जगह से लाए भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे बोतलों में सुरक्षित रहते थे। उनके बचपन की एक घटना ही उनके उस प्रेम को दर्शाती है जिसने उन्हें बड़ा होकर महान वैज्ञानिक की श्रेणी में ला खड़ा किया। बचपन में एक बार अमलतास का पौधा कहीं दिखाई दिया तो वो उसे उखाड़कर घर ले आए और अपने बगीचे में लगा दिया। पौधा समय के साथ बढ़कर पेड़ बना और उस पर फल लगे। जब अमलतास के उस पेड़ के फल दवा बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते और हर कोई बीरबल साहनी को आशीर्वाद देता तब उन्हें बड़ा अच्छा लगता। प्रोफेसर बीरबल साहनी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। सन 1911 में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर उन्होंने उसी वर्ष इंग्लैंड में कैम्ब्रिज जाकर इमैनुएल कॉलेज में दाखिला लिया। इंग्लैंड जाने से पूर्व वो मचोई हिमनद की यात्रा पर गए। ये हिमनद जो जिला से अधिक दूर नहीं है, बीरबल ने बर्फ में से एक दुर्लभ लाल शैवाल को खोजा। इस नमूने को वो अपने साथ इंग्लैंड ले गए जहां कैम्ब्रिज के वनस्पति स्कूल में प्रोफेसर सेवार्ड द्वारा इसका परीक्षण किया गया। मचोई हिमनद में इस यात्रा के दौरान जब वो एक गड्ढे में झांक रहे थे तब उन्हें बड़ा रोचक अनुभव हुआ। उन्हें बर्फ में जम जाने से मरा एक घोड़ा दिखाई दिया। बर्फ पर न फिसलने वाली रस्सी की चप्पल पहने एक स्थानीय मार्गदर्शक और अपने भाइयों के साथ उस मार्ग पर चलते हुए सहसा उन्हें उस मार्ग के खतरे का एहसास हुआ। ये खतरा था
तेज और भयानक हिमपात का। उनकी ऐसी यात्राओं का सिलसिला जीवन भर चलता रहा। एक यात्रा में वो अपनी पत्नी के साथ थे। उन्होंने एक ऊंचे स्थान पर डेरा डाला। जब संध्या होने लगी तब बर्फ पड़ने लगी। हिमपात इतने जोरों से हो रहा था कि उसमें सबके दब जाने का भय था। उन्होंने कुलियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और स्वयं पत्नी के साथ रहे। ठंड के कारण रात काटनी मुश्किल हो रही थी। सुबह उन्हें तब प्रसन्नता हुई जब उन्होंने बचाव दल को आते देखा। सन 1914 में कैम्ब्रिज से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर वे प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर ए.सी. स्टुअर्ट के मार्गदर्शन में अनुसंधान में जुट गए और सन 1919 में उन्हें डी.एस.सी. की उपाधि प्रदान की गई। प्रोफेसर साहनी मूल रूप से पुरा वनस्पति एवं भूवैज्ञानिक थे, परंतु पुरातत्व तथा मुद्रा शास्त्र में भी रुचि रखते थे। पुरा वनस्पति विज्ञान भूवैज्ञानिक अतीत के यानी फासिल से संबंधित विज्ञान है। पादप पेड़ पौधों के अवशेष हैं। उन पेड़ पौधों के जो वर्षों पहले चट्टानों या जमीन के नीचे दब गए थे। चट्टानों व जमीन के नीचे से खोजे गए पत्तों, बीजों, टहनियों, फूलों, फलों या वृक्षों के इन अवशेषों पर अध्ययन करके शैली का काल निर्धारित किया जा सकता है। ये अवशेष अतीत की जलवायु व स्थलाकृति के विषय में प्रमाण देते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी बताते हैं कि विशेष किस्म का पौधा कब उगा और विकसित हुआ था तथा किस प्रकार की भूमि पर था, और ये भी कि अति सरल से अति जटिल तक उन्नत होने में पौधे किस विकास पथ से गुजरे। इसके अतिरिक्त उनसे प्रमुख पादप समूहों का संबंध भी ज्ञात होता है। प्रोफेसर साहनी ने सरल भाषा में इस विज्ञान की व्याख्या की है। प्रोफेसर साहनी अपने ढंग के अकेले ही पेलियोबॉटनिस्ट थे। वे भूगर्भ विज्ञान तथा वनस्पति शास्त्र दोनों के विद्वान थे। सूक्ष्म जीवाश्मों यानी माइक्रोफॉसिल्स पर उनकी खोज महत्व रखती है। सन 1919 में बीरबल साहनी ने लंदन विश्वविद्यालय के डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि के लिए अपना शोध कार्य पेश किया। उसी साल भारत लौटने पर प्रोफेसर साहनी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। एक वर्ष तक बनारस में और दो वर्ष तक पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद सन 1921 में वो लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सचिव पद के लिए प्रोफेसर साहनी की नियुक्ति की पेशकश की। प्रोफेसर साहनी सदैव अनुसंधान करता रहे।
फिर भी अनिच्छा से उन्होंने सचिव का पद स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति दे दी। स्वीकृति का तार भेजने के बाद वो ये सोचकर बड़े दुखी तथा बेचैन हुए कि उन्हें अपनी प्रिय प्रयोगशाला को केवल प्रशासनिक पद पर कार्य करने के लिए छोड़ना होगा। तब तक आधी रात हो चुकी थी। वो कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पत्नी सावित्री को भी नींद नहीं आ रही थी। आखिर उनकी पत्नी ने जब उनकी बेचैनी का कारण पूछा तो वो बोले, एक वैज्ञानिक के रूप में जिस प्रयोगशाला को मैंने जान से ज्यादा प्यार किया, उसे केवल प्रशासनिक पद पर कार्य करने के लिए छोड़ देना मेरे मन को ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं इस पद को स्वीकार नहीं करना चाहता। सावित्री जानती थी कि उनके लिए प्रयोगशाला छोड़ना कितना मुश्किल था, इसलिए पति की खुशी के लिए उन्होंने सचिव का पद छोड़ देने की उनकी इच्छा पर अपनी सहमति दे दी, जिसे सुनकर वो इतने प्रसन्न हुए कि आधी रात को ही तार घर गए और पद अस्वीकार करने का तार भेज दिया। प्रोफेसर साहनी के पढ़ाने का ढंग बड़ा ही सरल और रोचक था। वो सबसे पहले किसी विषय के महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करते थे, फिर उसके खास खास बिंदुओं पर जोर देते थे और फिर विवरणों को विस्तार से बताते थे। व्याख्या के साथ साथ चित्रों को दोनों हाथों से चर्चा के अनुरूप खींचते जाते, वह कोई भी ब्यौरा नहीं छोड़ते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रोफेसर बीरबल साहनी के विषय में कहा था कि प्रोफेसर बीरबल साहनी संतुलित प्रकृति के थे, जैसा कि एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक को होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। प्रोफेसर साहनी के व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी था, वो स्वतंत्रता संग्राम के पक्के समर्थक थे। उनके पिता ने तो असहयोग आंदोलन के दिनों में सन 1922 में अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई अपनी पदवी अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के विरोध में वापस कर दी थी। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने खादी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी राजनीतिक भावनाओं को व्यावहारिकता का रूप दिया। मद्रास की एक मीटिंग में, जहां अंग्रेज गवर्नर भी था, किसी ने उनसे पूछा, डॉक्टर साहनी, हाउ कम यू आर नॉट वेयरिंग द कस्टमरी सूट एंड टाई? तो प्रोफेसर साहनी ने कहा, मैं विदेशी कपड़े नहीं पहनता। प्रोफेसर साहनी देश की आजादी के लिए लड़ने वालों के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया करते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर साहनी का योगदान सराहनीय है। उन्होंने विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान तथा भूविज्ञान विभागों को देश में अध्यापन और अनुसंधान के उच्चतम केंद्रों में परिवर्तित कर दिया था। प्रोफेसर साहनी अनुभव करते थे कि पूरा वनस्पति विज्ञान के छात्रों को भूवैज्ञानिक विभाग के बिना बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था, इसलिए
अनेक वर्षों के अथक परिश्रम के बाद सन 1943 में वो ये शाखा खुलवाने में सफल रहे। अपने अनुसंधान कार्यों में भी वो कभी हार नहीं मानते थे, बल्कि कठिन से कठिन समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सदा तत्पर रहते थे। कुछ वैज्ञानिकों के मन में ये धारणा थी कि पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीप पेंजिया नाम के एक संयुक्त भूखंड के टूटने से बने हैं। उनमें से एक अल्फ्रेड वेगनर भी थे। इस धारणा का ज्वलंत प्रमाण दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट का आकार और अफ्रीका के पश्चिमी तट के आकार की समानता में देखा जा सकता है। इन दोनों देशों में कुछ ऐसे जंतु और पौधे हैं जो एक समान हैं। और इस समानता का कारण ये प्रतीत होता है कि वे एक ही समय और एक ही भूखंड के साथ साथ पैदा हुए और बड़े हुए। ये भूखंड बाद में टूटकर टुकड़ों में बंट गया। सन 1935 में प्रोफेसर सहनी ने लिखा कि वो इस सिद्धांत से सहमत थे कि किसी समय विस्तृत महासागरों द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए महाद्वीप अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर हुए विस्थापनों से एक दूसरे के निकट आ गए होंगे। प्रोफेसर साहनी के मतानुसार यदि भारत और ऑस्ट्रेलिया का ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति जात चीनी सुमात्रा से भिन्न जलवायु में पनपा, तब इस निष्कर्ष को नकारा नहीं जा सकता कि प्रारंभ में ये दोनों भूभाग यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से बहुत अलग टेथिस सागर के उत्तर और दक्षिण में स्थित थे। उसके बाद ये दोनों भूभाग एक दूसरे से विस्थापित होते गए। यदि कुछ भूवैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार हिमालय अब भी ऊपर उठ रहा है, तब ये निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप भूखंड एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर सहनी ने इस बात का भी अध्ययन किया कि चावल एवं अन्य खाद्यान्नों की खेती बहुत पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे की जाती थी, जिससे कि पुरातत्व और वनस्पति विज्ञानों के परस्पर संबंध पर प्रकाश पड़ा। रोहतक के निकट स्थित खोकरा कोट के टीलों में उन्हें चावल की भूसी की आकृति की छाप मिट्टी में मिली, जिससे उनकी इस धारणा को बल मिला कि उस किस्म का चावल 2000 वर्ष पूर्व मौधे जनजाति द्वारा बोया जाता था। रोहतक के निकट मिले कुछ सिक्कों के सांचों पर अनुसंधान करने के बाद उन्होंने रोहतक नाम की व्युत्पत्ति ढूंढने का प्रयास किया और शोध के बाद उन्होंने पाया कि इस नगर का नाम एक पौधे पर रखा गया था। उन्होंने केवल सिक्कों के सांचों की ही खोज नहीं की, बल्कि प्राचीन भारत में सिक्कों के ढालने की विधि का भी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसके लिए उन्हें सन 1945 में मुद्रा शास्त्रीय सभा का नेल्सन राइट पदक मिला।
प्रोफेसर सहनी की वैज्ञानिक उपलब्धियां इतनी अधिक हैं कि उन सभी का वर्णन करना कठिन है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का शायद कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसमें उन्हें सफलता न मिली हो। भारतीय विज्ञान की जैसी सेवा उन्होंने की है वो कम ही लोगों ने की होगी। अपनी 57 वर्ष की अल्पायु में वो लगभग सभी महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़ चुके थे। सन 1946 में उनके ही विचारों के परिणाम स्वरूप लखनऊ में बीरबल साहनी वनस्पति संस्थान की स्थापना हुई। दस अप्रैल 1949 की आधी रात में हृदय गति रुक जाने से वो अचानक इस संसार को छोड़कर चले गए। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने विज्ञान के क्षेत्र में जो अपनी अनूठी छाप छोड़ी वो हमें सदा उनकी याद दिलाती रहेगी। वो मानते थे कि वैज्ञानिक अध्ययनों एवं अनुसंधानों का उपयोग मानव प्रगति एवं विकास में किया जाना चाहिए और इसके लिए वो जीवन भर प्रयत्न करते रहे। भारत को बीरबल साहनी जैसे महान वैज्ञानिक पर गर्व है। वो नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रकाश पुंज बनकर सदैव ही प्रेरणा देते रहेंगे। बीरबल साहनी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख अजय चावला, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा और मंजू मैनी, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।